नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विनोद और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि आप मिरर इफेक्ट का किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहां पर एक इमेज इंपोर्ट कर लेते हैं। इमेज इंपोर्ट करने के लिए आपको अपनी माउस से डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद आपकी जहां पर भी इमेज रखी है उस इमेज को सिलेक्ट करके यहां पर ओपन कर दीजिए। आपकी इमेज यहां पर ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर कंट्रोल जे दबाना है। कंट्रोल जे से क्या होगा, आपकी लेयर की डुप्लीकेट कॉपी हो जाएगी यहाँ पर। इसके बाद आपको प्रेस करना है कंट्रोल टी। कंट्रोल टी प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद आपके सामने यहाँ पर ऑप्शन आएगा फ्लिप हॉरिजेंटल का, इस पर आपको क्लिक कर देना है। इस पर आपको क्लिक करने के बाद यहाँ से आपको क्रॉप टूल सेलेक्ट करना है। क्रॉप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर इसे अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद आप इसे थोड़ा सा एक्सपेंड कर लीजिए, इसके साइज को एक्सपेंड करने के बाद इसको कंट्रोल के साथ थोड़ा सा माइनस कर लीजिए। माइनस करने के बाद आप एंटर प्रेस करिए। एंटर प्रेस करने के बाद यहाँ से सिलेक्शन टूल लेना है आपको और इस इमेज को आपको ड्रॉ करके ले जा करके यहाँ बगल में रख देना है इस तरीके से। और इसके बाद आप देखेंगे आपका मिरर इफेक्ट यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। तो इस तरीके से आप किसी भी इमेज का मिरर इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।